किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे रसायन के बारे में जानेंगे जिसका कि उपयोग लगभग हर किसान भाई काफी ज्यादा मात्रा में करता है, जिसका नाम है क्लोरोफायरीफास। तो क्लोरोफायरीफास क्या है, क्लोरोफायरीफास कैसे काम करता है, क्लोरोफायरीफास 50% का आपको उपयोग कैसे करना है, क्लोरोफायरीफास 10% दानेदार का उपयोग आपको कैसे करना है, या फिर क्लोरोफायरीफास की मात्रा, डोज, कीमत क्या है, सभी के बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त राकेश, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, अभी आप हमारे जो ज्यादातर वीडियो देखते हैं खेत से ही देखते हैं सीधे, और फसल के साथ ही देखते हैं, लेकिन यह पहली वीडियो है जो कि हम इस तरीके से घर पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब इसके कारण की मैं बात करूं तो आप लोग जो भी वीडियो देखते हैं उसमें हम अक्सर यही बताते हैं कि आप इस वाली दवाई का उपयोग कर लीजिए, इस वाले फंगिसाइड का उपयोग कर लीजिए, और दवाइयों की आपको सही से नॉलेज हो, दवाइयों के बारे में आप अच्छे से जान ले, ताकि आपको पता हो जाए कि किस दवाई का उपयोग हमें किस फसल में किस अवस्था में करना चाहिए और किस कीट के लिए करना चाहिए। अगर आपको दवाइयों की सही नॉलेज होगी तो आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि हाँ मुझे अपनी फसल में इस दवाई का उपयोग करना है। तो जो क्लोरोफायरीफास है उसका उपयोग अभी सबसे ज्यादा किया जा रहा है, जैसे कि अगर जमीन में दीमक की बात करें तो वहां पर भी इसका उपयोग होता है, या फिर अगर आप सुंडी के लिए उपयोग कर रहे हैं, जिसके अभी सोयाबीन की फसल है इस पर आप सुंडियों के लिए उपयोग करते हैं तो वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो जमीन से लेकर पत्तों तक इसका फसल पर उपयोग किया जाता है, तो इसीलिए आज इस क्लोरोफायरीफास के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर क्लोरोफायरीफास है क्या। तो किसान भाइयों, क्लोरोफायरीफास जो होता है वह एक कार्बनिक यौगिक है जो कि ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप के अंदर आने वाला एक बहुत ही पावरफुल रसायन होता है, जिसका उपयोग हम हमारी फसलों में कीटों को नियंत्रण करने के लिए करते हैं। अब अगर इसके निर्माता की बात करें तो सन 1965 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको 1965 में पंजीकृत किया था, और डाउ एग्रोकेमिकल कंपनी ने इसको बनाया था। अब ये दवाई 1965 में अमेरिका में बनाई गई थी, और धीरे धीरे सभी देशों में उपयोग होने लगी, और हमारी फसलों पर भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो यह दवाई अमेरिका से हमारे भारत और अन्य देशों में कैसे उपयोग होने लगी, इसके बारे में भी हम आपको वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे। तो अब हम जान लेते हैं कि आखिर क्लोरोफायरीफास काम कैसे करता है। तो जो क्लोरोफायरीफास होता है वह कीटों के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, और उस तरीके से कीटों को मारता है, जैसे कि यह एक सिस्टमेटिक फंगिसाइड है, और अगर इसका उपयोग हम फसल पर करते हैं तो यह पूरे पौधे में फैल जाता है, और पूरे पौधे में फैलने के बाद अगर कोई कीट उसके रस चूसता है या फिर कोई सुंडी उसकी पत्तियों को खाती है तो यह केमिकल उसके अंदर जाता है, उसके नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और फिर उस कीट को मार देता है। तो इस तरीके से क्लोरोफायरीफास काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि यह बाजार में आपको कितने तरीके से मिलता है, कितने प्रतिशत मात्रा में मिलता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले इसके दो रूप है, एक तो क्लोरोफायरीफास दानेदार और क्लोरोफायरीफास लिक्विड यानी ईसी फॉर्म में। तो एसजी और ईसी दोनों फॉर्म में हम मिल जाता है आपको। डिपेंड करता है कि आपकी फसल में कौन सी समस्या है, तो आप जमीन से इसको देना चाहते हैं या फिर स्प्रेइंग से देना चाहते हैं। अगर आप स्प्रेइंग से दे रहे हैं तो स्प्रेइंग के लिए आप लिक्विड वाली का उपयोग कीजिए, अगर खाद में मिलाकर डाल रहे हैं तो वहां पर आप दानेदार क्लोरोफायरीफास का उपयोग कर सकते हैं। अब दानेदार का उपयोग आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो जो क्लोरोफायरीफास होती है वो आपको मार्केट में 50% के रूप में मिलती है, जैसे क्लोरोफायरीफास 50%, क्योंकि आपको घड़ा कंपनी के हमला के नाम से मिल जाएगी, और यह फिर कुछ कॉम्बिनेशन के रूप में भी आती है, जैसे कि क्लोरोफायरीफास 50% साइपरमेथिन 5%, क्लोरोफायरीफास 6% प्लस अल्फामेथिन 1%। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन के रूप में भी आती है। तो कॉम्बिनेशन का हम उपयोग कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ा इसके बारे में भी बता दूं कि जैसे अगर आप सोयाबीन पर सुंडियों के लिए अगर इसको स्प्रे कर रहे हैं, या फिर किसी फसल में सुंडियां लग रही है वहां पर आप इसका स्प्रे कर रहे हैं, तो आपको कॉम्बिनेशन का उपयोग करना है, जैसे क्लोरोसाइफर का, क्लोरो अल्फा का, इस तरीके से आपको उपयोग करना है। अगर आप इसकी ट्रेंचिंग कर रहे हैं जड़ों के अंदर, या फिर आप खाद मिलाकर डाल रहे हैं, तो उस तरीके से आपको फिर क्लोरोफायरीफास सिंगल का उपयोग करना चाहिए, क्लोरोफायरीफास 50% का उपयोग करना चाहिए और सिंगल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिंगल का यूज करेंगे तो उससे सुंडियां उतनी कंट्रोल में नहीं आती है,
इसलिए आप सुंडियों पर हमेशा कॉम्बिनेशन वाली दवाई का उपयोग करें, क्लोरो प्लस सल्फर या फिर क्लोरो प्लस अल्फा का। और अब हम जान लेते हैं कि दानेदार का उपयोग आपको इसमें क्यों करना चाहिए। तो देखिए, क्लोरोफायरीफास 10% एसजी जो दानेदार फॉर्म में आती है उसका उपयोग सबसे ज्यादा खाद में मिलाकर किया जाता है। जैसे आप फसल में यूरिया डाल रहे हैं और आपकी फसल में नीचे से दीमक लग रही है तो आप यूरिया में मिलाकर उसको डाल सकते हैं। और अगर आप दानेदार नहीं डाल रहे हैं, दानेदार आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो आप क्लोरोफायरीफास 50% सिंगल का उपयोग भी आप यूरिया में मिलाकर फसलों के अंदर डाल सकते हैं। जैसे कि अभी अदरक में सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है कि पौधों में नीचे से काट दिया जाता है और पौधों को पकड़ते हैं तो वो बाहर आ जाता है, उसी के साथ साथ अब मूंगफली में भी यह समस्या आती है, उसकी जड़ों को काट दिया जाता है और जड़े और पौधे को जैसे हम पकड़ कर बाहर निकालते हैं तो पौधा पूरा अपने आप बाहर आ जाता है। तो यह समस्या क्यों आती है? क्योंकि नीचे जमीन में दीमक लगी हुई रहती है। दीमक पर क्लोरोफायरीफास काफी अच्छे से काम करता है, इसीलिए क्लोरोफायरीफास दानेदार का उपयोग ज्यादातर किसान भाई खाद में मिलाकर करते हैं, लेकिन आप लिक्विड का भी उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप अच्छा उपयोग लेना चाहते हैं तो आप ड्रिंचिंग से उपयोग करें क्लोरोफायरीफास 50% से आप ड्रिंचिंग कर दें, जिससे कि दीमक को काफी अच्छे से कंट्रोल मिल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि क्लोरोफायरीफास अमेरिका से हमारे भारत तक कैसे है। तो देखिए, जैसे कि मैंने दीमक की बात अभी करी, तो क्लोरोफायरीफास जब अमेरिका में बनाई गई तो वो इसलिए बनाई गई थी क्योंकि अमेरिका में जो घर होते हैं ज़्यादातर वो लकड़ी के होते हैं। लकड़ी के घरों में दीमक का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता था और काफ़ी सारे लकड़ी के घरों को ख़राब कर देती है, जिसको मारने के लिए, जिसको कंट्रोल में करने के लिए ही क्लोरोफायरीफास को बनाया गया था। अब क्लोरोफायरीफास दीमक पर तो काफ़ी अच्छे से वर्क करता ही है, लेकिन इसका उपयोग फसल पर भी प्रयोग करके देखा गया, फसलों पर भी इसके काफ़ी अच्छे परिणाम आने लगे, जिस वजह से यह फसलों पर भी उपयोग किया जाने लगा और धीरे धीरे अमेरिका के साथ ही सभी देशों में इसका उपयोग होने लगा। तो इस तरीके से यह दवाई अमेरिका से हमारे देश तक आ गई और हम भी इसका उपयोग कर रहे हैं। अब हम जान लेते हैं कि इसको किस किस फसलों पर आप उपयोग कर सकते हैं। तो लगभग सभी प्रकार की फसलों में आप इसको उपयोग कर सकते हैं। दलहन, तिलहन, जो अनाज वाली, सब्जी वाली, सभी प्रकार की फसलों पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यह किन किन कीटों को नियंत्रण करता है। तो जैसे कि गुलाबी सुंडी आती है या फिर हरी सुंडी आती है, चित्तीदार सुंडी आती है, कैटरपिलर आती है, इसको तो कंट्रोल करता ही है, साथ ही वाइट ग्रब को भी काफी अच्छे से कंट्रोल करता है, जो कि किसानों को काफी ज्यादा परेशान करता है बारिश के दिनों में। तो वाइट ग्रब पर भी काफी अच्छे इसके कंट्रोल है, इसीलिए इसके ड्रेंचिंग करके भी आप वाइट ग्रब को खत्म कर सकते हैं और फसल में खाद में मिलाकर भी आप इसका उपयोग करके वाइट ग्रब को खत्म कर सकते हैं। साथ ही आप माहू, तेला, चुड़दा, जितने भी प्रकार के कीट होते हैं रस चूसने वाले, उनको भी काफी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। अब अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो मात्रा आपको कितनी लेनी चाहिए। अगर आप स्प्रेइंग से दे रहे हैं तो आपको 2 ml प्रति साथ मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। आप 20 लीटर पानी के साथ 40 या 50 ml मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। 200 लीटर पानी के साथ आप 400 ml मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। अगर दानेदार की बात करें कि अगर आपको खाद में मिलाकर जमीन में डालना है इसको, तो वहाँ पर आप 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं, क्लोरोफायरीफास 10% का। तो इस तरीके से आपको इसकी मात्रा लेनी है। कीमत की बात करें तो जो आपको लिक्विड वाली आती है उसका 1 liter का पैक आपको 600 रुपये के लगभग मिल जाएगा। क्लोरोफायरीफास दानेदार की कीमत आप स्क्रीन पर देख लीजिए मुझे। अब हम बात कर देते हैं कि यह कम आपको किस किस नाम से मार्केट में मिल जाएगी। तो जो क्लोरोफायरीफास होती है यह आपको ज़्यादातर घड़ा कंपनी के हमला के नाम से मिलती है, या फिर अगर मार्केट में आप जाते हैं तो 505 के नाम से काफ़ी प्रचलित होती है, 505 के नाम से आपको आसानी से मिल जाती है, इस तरीके से आपको मिल जाएगी। और इसकी कुछ कमियां भी हैं, वो भी हम जान लेते हैं। जैसे कि जब हम इसका फसल पर उपयोग करते हैं, किसी फल वाली फसल पर इसका उपयोग करते हैं तो पत्तों पर काफ़ी ज़्यादा स्क्रेच आ जाते हैं, स्कॉचिंग आ जाती है, पत्तों पर पीले पीले धब्बे बन जाते हैं, यह इसकी सबसे बड़ी कमी की बात है। दूसरी कमी इसकी यह है कि जैसे कि यह दवाई काफ़ी तेज गंध वाली होती है, और इसका उपयोग अगर हम जब फसल पर करते हैं तो फूल वाली अवस्था पे अगर कर लेते हैं तो मधुमक्खियाँ काफ़ी कम आती हैं फसल के अंदर, और उससे पॉलिनेशन कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो अगर आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर है तो वहाँ पर आप इसका उपयोग ना करें। तो इस तरीके से इस दवाई की कुछ कमियाँ भी हैं, और
इस दवाई के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप फ्यूचर में इस तरीके की वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो किसान भाइयों, यह थी क्लोरोफायरीफास की पूरी कहानी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।